हेलो एवरीवन, आइए आगे बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। जब हमारे पास एक वेरिएबल कंटिन्यूस हो, एक डिस्क्रीट हो, ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट, व्हाइल एंड प्लॉट एक्सेट्रा। कॉलम प्लॉट हम बात कर चुके हैं, तो एक बार इसमें देख लेते हैं। तो व्हाइल एंड प्लॉट के लिए तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं। एक है यहाँ पर एमपीजी, एमपीजी फाइल का नाम है। उसके अंदर मैंने एईएस एस्थेटिक्स में एक्स को मैंने लिया है डीआरबी और इसको मैंने फैक्टर बना दिया। और एक है हाईवे, दो वेरिएबल मैंने ले लिए और एक कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट का नाम मैंने सीडी रख दिया है यहाँ पर, पहली लेयर का नाम। अब मैं करता हूँ वायलिन प्लॉट, और वायलिन प्लॉट का अगर आप हेल्प देखें तो ये वायलिन प्लॉट आ गया इसके अंदर। इसी के अंदर स्टैट वाई डेंसिटी भी आ गया है, यानी ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि बहुत सारी एक जैसे हैं चीजें इसमें मिलती हैं। जैसे जब हम बॉक्स प्लॉट करते हैं तो बॉक्स प्लॉट से हमारा काफी हद तक मिलता जुलता है। देखिए ये बॉक्स प्लॉट है, इसी की हेल्प में आपको दूसरा स्टेट बॉक्स प्लॉट भी मिल जाएगा और कॉलम प्लॉट भी इससे मिलता जुलता है। सो बैक चलते हैं, यहाँ पे इससे हम हेल्प में सारी चीजें पढ़ सकते हैं कौन सी चीज क्या है। सो बॉक्स प्लॉट में एक तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, अब हम दोबारा लगाते हैं यहाँ पे सी के साथ। अगर देखो एक तो तरीका ये था, मैं सी के साथ जा रहा हूँ, जब ऊपर मैंने कंटिन्यूस लिया था ना यहाँ पे वेरिएबल जिसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिया था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये बात कर चुके हम। एक तो है मेरा डिस्प्लेसमेंट और उसमें वाई मैंने क्लास दे दिया है। इससे क्या होगा कि मेरा नल ही आ गया यहाँ तो। ओके, क्यों आ गया है नल? क्योंकि मैंने शायद सी हटा दिया था यहाँ से। सी को दोबारा रन करें, और अब मैं आ गया हूँ लाइन नंबर, नॉट दिस स्कैटर प्लॉट, यहाँ आ गए हैं हम सी प्लस लाइन नंबर 124 में। ओके, तो ये हमारा बन गया है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार आपको पीछे का भी दिखा दूँ, पीछे हम क्या कर चुके थे। ये था हमारा सी प्लस दिस, डिस्प्लेसमेंट का मैंने निकाला। डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर मैंने एस्थेटिक्स में वाई इज इक्वल टू क्लास दे दिया तो यही चीज सबके लिए अलग अलग आ जाएगी। क्लास एसयूवी के लिए अलग, सब कॉम्पैक्ट के लिए अलग, पिकअप के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग आ गया ये सारा। और इसमें ऑब्वियसली कलर तो आप ऐड कर ही सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। और अगर मैं अब यहाँ बोल रहा हूँ सीडी, सीडी में मैंने दो चीज ली हुई है, एक तो डीआरवी को लिया है, एक हाईवे को लिया है। ऐसे भी बना सकते हैं, तो डिपेंड करता है एस्थेटिक्स, आप ऊपर दे दीजिए नीचे दे दीजिए व्हाटएवर। तो अब मैंने पहले क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा है डीआरवी, तो एक्स एक्सिस पे जाएगा डीआरवी और वाई एक्सिस पे जाएगा हाईवे। और इसके अंदर हमने ये देख लिया था यहाँ पे आउटलायर है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए जैसे ही इसके अंदर आप लिखना शुरू करेंगे ना ओ यू टी, ये सारी चीज आ जाएगी क्या लिखना है। तो मैंने यहाँ पे दिया शेप इज इक्वल टू 1, कलर 2 रेड कलर है, साइज 4 टाइम्स हो जाए, स्टॉक 2 और बड़ा हो जाए। तो इसको बंद कर दें और इसको रन करके देखें, तो ये हमारा ये आ गया हमारा शेप इज इक्वल टू 1। अगर मैं शेप इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ तो देखिए ट्रायंगल आ जाएगा। शेप इज इक्वल टू 3 आप चेंज कर करके देख लीजिएगा एक बार, 3 पे क्या आएगा और कलर पे इन पे क्या क्या आता है। इसी से हमारा मिलता जुलता है एक वायलिन प्लॉट। वायलिन प्लॉट में क्या होता है, देखिए सी डी प्लस वायलिन ये इस टाइप का आ जाता है। वायलिन प्लॉट में क्या आया, इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो एक वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है जो कि है कैटेगोरिकल, चार जो ड्राइव है आपकी, फोर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव है। अब चार पे देखते हैं, जब इसका स्कोर 20 है, यहाँ वेरिएशन देखिए ऊपर, यहाँ 25, 22 के करीब कम वेरिएशन है, 25 के करीब ज्यादा वेरिएशन है, कुछ 15, 17 के करीब काफी हाई वेरिएशन है यहाँ पे काफी। ये एक्चुअली वेरिएशन है मतलब नंबर ऑफ केसेज है, यहाँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेज है। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 25 के करीब, 27 के करीब काफी केसेस हैं, 29 के करीब काफी केसेस हैं, फिर यहाँ 35 पे कम है और यहाँ 38-39 पे ऑलमोस्ट 9 के बराबर केस हैं। तो वायलेंट प्लॉट हमें ऐसा दिखाता है, जबकि जो रियर व्हील है इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ केसेस से हैं सब जगह पे, अलग अलग वैल्यूज के ऊपर वायलेंट प्लॉट ऐसे दिखा देता है हमें। तो वायलेंट प्लॉट एक अलग चीज दिखा रहा है और बॉक्स प्लॉट हमें एक अलग चीज दिखा रहा है। बॉक्स प्लॉट भी ऐसे ही है, वायलेंट प्लॉट भी। तो एक काम करें हम ओवरलैप कर लें, ये जो वायलिन प्लॉट है इसके ऊपर, तो पहले मैं एक बार वायलिन प्लॉट यहां बना लेता हूं। देखिए ये वायलिन प्लॉट है और इसके ऊपर मैं कर देता हूं बॉक्स प्लॉट। तो अब इसको आप देख पा रहे हैं, ये जो यहां पर डॉट डॉट हैं ये आउटलायर हैं, ये एक ही है शायद, ये एक ही है। इस तरह से आगे ये चीज आ गई, ये मीडियन वैल्यू होती है इसकी। तो ये हमारा हो गया है जब हमारे पास दो वेरिएबल हों, एक हो कैटेगोरिकल, जनरली उसको आप एक्स पे रख सकते हैं,
वाई पे रखेंगे तो भी चलेगा, तो फिर इस टाइप का आ जाएगा। देखिए इस केस में हमने वाई के ऊपर क्लास रख दिया जो कि कैटेगोरिकल है, तो चार्ट ऐसा आ गया है। ओके तो इन पे आप थोड़ा सा एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें वायलिन प्लॉट और बॉक्स प्लॉट के बारे में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।